और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 5,500 करोड़ के हथियार पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। खबर ये मिल रही है यूक्रेन को जो हथियार दिए जाएंगे उनमें कई आधुनिक मिसाइलें और घातक रॉकेट सिस्टम भी शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मांग पर अमेरिका आधुनिक हथियारों की खेप दे रहा है। डॉनबास में रूस से निपटने के लिए ये मांग की गई थी यूक्रेन की तरफ से, ज़ेलेंस्की की तरफ से, और अब ये मांग स्वीकार कर ली है अमेरिका ने। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों की मदद पर यह भी कहा है कि यूक्रेन ने हमें आश्वासन दिया है, यानी भरोसा दिया कि वे रूसी क्षेत्र के लक्ष्यों के खिलाफ इन हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव एक बार फिर यूक्रेन के लिए काल साबित हो चुके हैं। दावा यह किया जा रहा है कि रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने अब यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। लुहांस्क प्रांत के एक बेहद ही अहम औद्योगिक शहर है। इस शहर पर कब्जे की जंग को लेकर करीब एक महीने से घमासान जारी है। यूक्रेन में फिर काल बने कादिरोव के लड़ाके। यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जे का दावा। कादिरोव के शिकंजे में सेवेरोदोनेत्स्क शहर। ये रूस के उसी सेवेरोदोनेत्स्क शहर की तस्वीरें हैं जिस पर रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने कब्जे का दावा किया है। रूसी सेना के साथ कादिरोव के लड़ाकों ने यहां ऐसा प्रचंड हमला बोला है कि शहर की सूरत पूरी तरह से बदल गई है। 24 घंटे इस शहर पर रूसी सेना के हमले हो रहे हैं। कहीं तोप के गोलों से दुश्मन को टारगेट किया जा रहा है, कहीं मिसाइल हमलों की मार यूक्रेन की सेना के पैर उखाड़ रही है। पूर्वी यूक्रेन के शहर में ज़ेलेंस्की की सेना के लिए चुनौती इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि उन्हें 3 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ रही है। सेवेरोदोनेत्स्क शहर में यूक्रेन के लिए जंग का पहला मोर्चा रूसी सेना रही, दूसरा चेचन लड़ाके और तीसरा यूक्रेन के विद्रोही, और इसी वजह से इस शहर में रूस की ताकत 3 गुना तक बढ़ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि तीनों मोर्चों ने मिलकर सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर ऐसा हमला किया कि वहां के छोटे छोटे गांव पूरी तरह से तबाह हो गए। इस दौरान रमजान कादिरोव के लड़ाके यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने शहर की ऐसी जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जिससे यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। लुहांस्क प्रांत के गवर्नर के मुताबिक रूसी सेना ने बमबारी के दौरान एक केमिकल प्लांट पर हमला बोल दिया जिस वजह से वहां नाइट्रिक एसिड से भरा टैंकर फट गया। रूस के इस हमले का वीडियो भी सामने आया जिसमें भूरे रंग के धुएं की कई किलोमीटर ऊंची मशरूम जैसी आकृति दिखाई दी। दरअसल चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का दावा है कि पुतिन ने उन्हें इस शहर पर कब्जा करने के लिए बुधवार तक की डेडलाइन दी थी और इसी वजह से रूसी सेना और रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर जंग को और तेज कर दिया। इस दौरान रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने ठीक वैसे ही रणनीति अपनाई जैसी रणनीति उन्होंने मारियुपोल में अपनाई थी, यानी पहले शहर को पूरी तरह से घेर लो फिर ताबड़तोड़ हमला बोलकर दुश्मन को कुछ मत सोचने दो और फिर शहर में घुसकर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दो। दावा किया जा रहा है कि सेवेरोदोनेत्स्क शहर में भी कादिरोव की ऐसी ही तरकीब काम आई और पूरे शहर पर रूस का कंट्रोल हो गया। खुद रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी करके इसका ऐलान किया। रमजान कादिरोव के दावे के मुताबिक उनके लड़ाकों और रूसी सेना ने शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अगर वाकई ऐसा हो चुका है तो फिर पूरे डॉनबास पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है।
जिसे जीतने के लिए पुतिन ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। मारियोपोल पर कंट्रोल होने का दावा करने के बाद रूसी सेना, चेचन लड़ाके और यूक्रेन के विद्रोही अब पूरी ताकत से डॉनबास के इलाके में हमला बोल रहे हैं। उनके निशाने पर सबसे पहले लुहांस्क के दो शहर आए, जिनमें वहां के सबसे बड़े शहर सेवेरोदोनेत्स्क पर कब्जे का वो दावा कर रहे हैं। सेवेरोदोनेत्स्क के बिल्कुल बगल में लुहांस्क प्रांत में ही आने वाला दूसरा शहर लिसिचांस्क उनका अगला निशाना है। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में चल रही जंग के बीच तो यहां तक दावा किया गया कि पुतिन ने रमजान कादरव को डोनेत्स्क जीतने के लिए 1 जुलाई तक की डेडलाइन दी है, यानी ठीक 1 महीने बाद कादरव को डोनेत्स्क पर भी कब्जा जमाना है। लेकिन कादरव भले ही कितने बड़े दावे करें, ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि चेचन कमांडर रमजान कादरव के दावे को नकारते हुए यूक्रेन ने सेवेरोदोनेत्स्क के सिर्फ 70% हिस्से पर ही रूसी सेना का कब्जा होने की बात कही है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक सिर्फ सेवेरोदोनेत्स्क में ही नहीं बल्कि लिसिचांस्क में भी उसके जवान पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। Туда прилетают большие калибры, к сожалению, в Лисичанск прилетают. इसके साथ ही यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि लिसिचांस्क शहर की 1-1 इंच जमीन पर अभी भी उसका कब्जा है। हालांकि यूक्रेन ये भी मान रहा है कि सेवेरोदोनेत्स्क के ज्यादातर इलाकों पर रूस अपनी पकड़ बना चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले दिनों में ज़ेलेंस्की की सेना के लिए मुसीबत और बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस बर्बरता के साथ चेचन कमांडर और रूसी सेना हमले कर रही है वो ये साबित करता है कि पुतिन की तरफ से यूक्रेन में फुल एंड फाइनल का ऑर्डर आ चुका है। यूक्रेन को लेकर रूस में वर्ल्ड वॉर वाला मूड बन चुका है। रूस की टीवी चैनल में इस वक्त खुल्लम खुल्ला तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी जा रही है। इस वक्त यूक्रेन को जो हथियार दिए जा रहे हैं उसे लेकर पुतिन का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऐसा ऐलान हुआ है जिसमें पुतिन अमेरिका की बहुत ज्यादा उससे नाराज है। देखिए चिंगारी से कैसे विश्व युद्ध भड़क सकता है। यह बात इसलिए गंभीर है क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा इस वक्त रूस की टीवी चैनल पर की जा रही है। ज़ेलेंस्की अमेरिका के रॉकेट और मिसाइल फायर कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ब्रिटेन के हथियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें रूस बहुत परेशान है।